वेलकम टू द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो विद अजय यादव। दोस्तों, आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो में हम जानने वाले हैं 6 ऐसी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी फ्लॉप साबित हुई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रीमेक होने के बावजूद भी फिल्म अच्छा परफॉर्म कर जाती है, जैसे कि सिंघम थी और डॉन थी। लेकिन कई फिल्म ऐसी थी जो कि रीमेक थी और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी फ्लॉप साबित हो चुकी। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 6 फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पे रीमेक थी और बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हो चुकी थी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ में। पहली फिल्म का नाम है उमराव जान। ये फिल्म उमराव जान 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्टार कास्ट में थे ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन। फिल्म को डायरेक्ट किया था, फिल्म की स्टोरी लिखी थी JP दत्ता साहब ने और इस फिल्म का कलेक्शन था सिर्फ और सिर्फ 7.5 करोड़ रुपये। फिल्म का बजट था 15 करोड़ रुपये और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर थी। लेकिन इसकी ओरिजिनल स्टोरी यानी रेखा वाली उमराव जान काफ़ी बड़ी हिट थी। फिल्म का बजट था सिर्फ 50 लाख रुपये और उस फिल्म ने कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पे 1.5 करोड़ रुपए। दोस्तों, दूसरी फिल्म का नाम है रामगोपाल वर्मा की आग। रामगोपाल वर्मा एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म बनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक आग बनाई यानी शोले की रीमेक बनाई, जो कि बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई थी 2007 को। और इस फिल्म को देखने के लिए पब्लिक बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि शोले को आज की डेट में किसने नहीं देखा है। और यही रीजन था कि रामगोपाल वर्मा की आग बहुत बड़ी फ्लॉप थी यानी डिजास्टर थी अजय देवगन के करियर की। फिल्म का कलेक्शन था सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए और फिल्म का बजट था 20 करोड़ रुपए। दोस्तों, तीसरी फिल्म है हिमेश रेशमिया की कर्ज, जो कि रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पे 2008 में। इस फिल्म में टोटल 10 गाने थे और 10 के 10 गाने काफ़ी बड़े हिट थे और सुपर हिट गाने थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म ने कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ रुपए और फिल्म का बजट था 16 करोड़ रुपए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फिल्म फ्लॉप थी, इसकी ओरिजिनल स्टोरी यानी ऋषि कपूर वाली कर्ज भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप थी, लेकिन उसको आज के डेट में कल्ट के स्टेटस मिला है, यानी वो फिल्म आज के डेट में हिट है और ये वाली कर्ज बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप है। चौथे नंबर पर है फिल्म विक्टोरिया नंबर 203। ये फिल्म रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पे 2008 में और ये ऑफिशियल रीमेक है बॉलीवुड की ही फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 की, जो कि रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पे 1972 में। काफ़ी बड़ी हिट थी, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए पब्लिक एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि उस समय ऐसी फिल्में किसी को देखना पसंद नहीं था। पाँचवें नंबर पर है शिवा। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसकी स्टार कास्ट और फिल्म के डायरेक्टर ने ओरिजिनल स्टोरी बनाई थी और दोनों ने मिलकर वापस से फिल्म का रीमेक बनाया 2006 में, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुआ। लेकिन शिवा रीमेक काफ़ी बड़ी फ्लॉप थी नागार्जुना और रामगोपाल वर्मा के करियर की। तो क्या आपने शिवा देखी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आखिरी फिल्म यानी 6 नंबर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है हिम्मत वाला। हिम्मत वाला बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी 2013 में। फिल्म की स्टार कास्ट में थे अजय देवगन और तमन्ना भाटिया। साथ ही फिल्म को डायरेक्ट किया था साजिद खान ने और उनका कहना यह था कि ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट होने वाली, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हो चुकी थी। फिल्म ने कमाई की थी इंडिया में नेट और सिर्फ 45 करोड़ रुपये। ये फिल्म ऑफिशियली रीमेक थी जितेंद्र स्टारर फिल्म हिम्मत वाला की। वो फिल्म काफ़ी बड़ी हिट थी, ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप थी और डिजास्टर थी। तो क्या आपने ये फ्लॉप फिल्म देखी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो विद अजय यादव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।